हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। तो आज मैं लेकर आया हूँ बहुत ही शानदार टॉपिक, दैट इज स्पैन लोड टेस्टिंग। दोस्तों, हाईवेज में जब भी कोई मेजर ब्रिजेस या इम्पोर्टेंट ब्रिजेस का निर्माण होता है, उसके ऊपर ट्रैफिक छोड़ने से पहले उनकी एक फाइनल टेस्टिंग की जाती है, वो है स्पैन लोड टेस्टिंग। तो ये स्पैन लोड टेस्टिंग से हमें क्या पता चलता है, ये टेस्टिंग कैसे किया जाता है और ये इतनी इम्पोर्टेंट क्यों मानी जाती है, ये सारे सवालों का जवाब आज आपको इस लेक्चर में मिल जाएगा। तो शुरू करने से पहले, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ ये सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा, और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है तो प्लीज़ ये बेल बटन दबा दीजिएगा, ताकि आप मेरे कोई भी लेटेस्ट वीडियोज़ मिस ना करें। तो चलो शुरू करें। तो दोस्तों, चलो पहले जाने स्पैन लोड टेस्टिंग के इम्पोर्टेंस के बारे में। दोस्तों, ब्रिजेस जब डिज़ाइन की जाती है तो उसमें मैक्सिमम परमिसिबल डिफ्लेक्शन का लिमिट सेट किया जाता है। चलो थोड़ा और डिटेल में समझें। जब कोई हैवी व्हीकल ब्रिज के ऊपर से गुजरती है तो ब्रिज उस व्हीकल लोड के कारण थोड़ी सैग हो जाती है, यानी नीचे की तरफ थोड़ी डिफ्लेक्ट हो जाती है। ये डिफ्लेक्शन अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो ब्रिज के स्लैब सॉफिट में क्रैक्स भी आ सकते हैं। इतना ही नहीं, ये डिफ्लेक्शन अगर इतनी हो जाए कि अपने आंखों से क्लियरली दिख जाए कि ब्रिज बेंड या नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया हो, तो एक साइकोलॉजिकल डर पैदा कर देगा रोड यूज़र में, जिसके कारण रोड यूज़र ब्रिज पर ट्रैवल करने से डर भी सकता है कि कहीं ये ब्रिज कोलैप्स ना हो जाए। यही सारे कारणों की वजह से डिज़ाइनर्स ब्रिज डिफ्लेक्शन को एक लिमिट तक ही परमिट करते हैं, उसे कहते हैं मैक्सिमम परमिसिबल डिफ्लेक्शन। सिंपल भाषा में कहूँ तो डिज़ाइनर्स लोड को रेस्ट्रिक्ट करते हैं अप टू लिमिट लोड, सो दैट उनके वजह से जो डिफ्लेक्शन दिखे वो हमेशा मैक्सिमम परमिसिबल डिफ्लेक्शन से कम रहे। तो दोस्तों, स्पैन लोड टेस्टिंग ये क्राइटेरिया चेक करने के लिए किया जाता है, यानी डिज़ाइनर आपको मैक्सिमम परमिसिबल डिफ्लेक्शन वैल्यू दे देंगे फॉर मैक्सिमम लिमिट लोड अ ब्रिज कैन कैरी। आप यही लिमिट लोड को एक्चुअल साइट में प्लेस करके देखते हो कि क्या ऑब्जर्व डिफ्लेक्शन परमिसिबल डिफ्लेक्शन से कम है या नहीं। फाइनली हम ये तो समझ गए कि स्पैन लोड टेस्ट क्यों करते हैं। तो चलो अब कुछ मोस्ट एक्सक्लूसिव वीडियोस की मदद से ये जान ले कि स्पैन लोड टेस्ट कैसे करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हो, ये है वो ब्रिज जिसमें स्पैन लोड टेस्ट होने वाला है। तो सबसे पहले स्लैब के सॉफिट में वाइट वॉशिंग किया जाता है, ताकि अगर एक्सेसिव डिफ्लेक्शन के कारण क्रैक्स बन जाए तो हमें ईजिली दिख जाए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा कि स्ट्रक्चर में डिफ्लेक्शन दो चीज़ों के वजह से होती है। पहला है टेम्परेचर, दूसरा है लोड। दोस्तों, टेम्परेचर की वजह से जो डिफ्लेक्शन होता है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, प्रोवाइडेड एडिक्वेट फ्रीडम इज गिवन फॉर एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन विद द हेल्प ऑफ एक्सपांशन जॉइंट। सो हमारा मेन इंटेंशन है टू फाइंड आउट द डिफ्लेक्शन ड्यू टू एक्सटर्नल लोड एक्टिंग ऑन ब्रिजेस। एक बार वाइट वॉशिंग कम्प्लीट होने पर ड्रॉइंग में प्रोवाइड किया हुआ लोकेशन पर डायल गेज फिक्स किया जाता है, जो डिफ्लेक्शन मेजर करने में काम आएगा। यूजुअली डायल गेज वहाँ प्लेस करते हैं जहाँ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है। फॉर सिंपली सपोर्टेड स्ट्रक्चर इट इज मिड स्पैन, एंड फॉर कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर इट मे बी एट L/4 डिस्टेंस फ्रॉम द एंड, ऑल्सो इवन एट द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। सो दोस्तों, हमने डायल गेज को मिड स्पैन पर प्लेस किया था, जैसे कि आप देख सकते हो। टोटल 4 डायल गेजेस यूज किया गया है, स्टार्टिंग फ्रॉम स्लैब एज एंड प्रोसीडिंग टूवर्ड्स सेंटर ऑफ मिड स्पैन। साथ ही साथ एक थर्मोमीटर को भी स्लैब सॉफिट में अटैच कर दिया जाता है टू नोट डाउन टेम्परेचर रीडिंग्स। सो दोस्तों, स्पैन लोड टेस्ट 3 फेजेस में डिवाइड किया जाता है। लेट्स अंडरस्टैंड इन डिटेल। फेज 1, एक बार डायल गेज का सेटअप हो जाए तो फर्स्ट 24 आवर्स टेक्नीशियन डिफ्लेक्शन का रीडिंग नोट डाउन करते हैं। ध्यान रखिएगा कि ये डिफ्लेक्शन सिर्फ टेम्परेचर की वजह से होता है, क्योंकि हमने इस पर अब तक कोई भी लोडेड व्हीकल इम्पोज नहीं किया, तो चलो हम इसे कहेंगे टेम्परेचर डिफ्लेक्शन। फेज 2, अब डिज़ाइनर आपको टोटल कितना लोड ब्रिज पर अप्लाई करना है या इम्पोज करना है, उसकी डिटेल्स ड्राइंग में प्रोवाइड कर देंगे। इस एग्जाम्पल में हमें 4 व्हीकुलर लोड ऑफ 34 टन ईच अप्लाई करना है, सो टोटल लोड हो गया 136 टन। इस 136 टन के लोड को स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली प्लेस किया जाता है, मतलब आफ्टर टेकिंग रीडिंग ऑफ 24 आवर्स फॉर टेम्परेचर डिफ्लेक्शन,
फर्स्ट व्हीकल को ब्रिज पर प्लेस करते हैं, यानी 34 टन। फिर एक घंटे बाद दूसरा व्हीकल प्लेस किया जाता है। सिमिलरली थर्ड व्हीकल एंड फोर्थ व्हीकल एट 1 आवर इंटरवल। समराइज करूँ तो 100% लोड ब्रिज पर स्टेप वाइज प्लेस करते हैं, दैट इज 25%, 50%, 75% एंड 100% एट 1 आवर इंटरवल। अगर आपको जानना है कि लोड को ऐसे स्टेप वाइज क्यों प्लेस करते हैं तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा, क्योंकि इसके बारे में मैंने वीडियो के एंड में बताया है। एक बार 100% लोड मोबिलाइज होने पर 24 आवर्स उसका डिफ्लेक्शन रीडिंग नोट डाउन करते हैं एट एवरी 1 आवर इंटरवल। ये जो डिफ्लेक्शन है दैट इज ड्यू टू टेम्परेचर प्लस इम्पोज्ड लोड फेज 3 यानी अनलोडिंग फेज। तो दोस्तों हमारे फेज 2 के रीडिंग्स नोट डाउन करने के बाद ये लोडिंग्स को स्टेप वाइज अनलोड भी किया जाता है, मतलब लोड को कांस्टेंट डिक्रीमेंटल प्रोसेस से दैट इज 25%, 50%, 75% एंड 100% एट एवरी 1 आवर इंटरवल अनलोड किया जाता है। पूरी तरीके से अनलोड होने के बाद फिर 24 आवर उसकी डिफ्लेक्शन रीडिंग नोट डाउन की जाती है एट एवरी 1 आवर इंटरवल। अनलोडिंग के टाइम एक चीज़ ज़रूर याद रखना कि हमें लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड अपनाना पड़ेगा फॉर अनलोडिंग ऑफ व्हीकल्स। इसका मतलब जो व्हीकल लास्ट में एंट्री मारता है इन लोडिंग स्टेज, वही व्हीकल फर्स्ट व्हीकल होगा जो पहले एग्जिट मारेगा इन अनलोडिंग स्टेज। तो चलो इन सारे फेजेस को एक बार क्विकली समराइज करें। फेज 1 में आपको मिलता है टेम्परेचर डिफ्लेक्शन, फेज 2 में डिफ्लेक्शन ड्यू टू लोड प्लस टेम्परेचर। दोस्तों फेज 3 को ज़रा ध्यान से समझिएगा। अनलोडिंग के बाद ब्रिज उसके इनिशियल स्टेट में आने को ट्राई करता है, लेकिन जैसे कि हमें पता है कि अगर डिफ्लेक्शन विद इन इलास्टिक लिमिट हुआ होगा तो रिकवरी 100% पॉसिबल है। लेकिन इस रियल वर्ल्ड में डिफ्लेक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलास्टिक एंड नॉन इलास्टिक डिफ्लेक्शन। तो दोस्तों अनलोडिंग के बाद मेजर पार्ट ऑफ डिफ्लेक्शन रिकवरी हो जाता है। IRC SP 51 में इस परसेंटेज रिकवरी का क्राइटेरिया भी दिया गया है फॉर चेकिंग द सेम। इस क्राइटेरिया के हिसाब से अगर परसेंटेज रिकवरी इन अ प्री स्ट्रेसिंग स्टील इज ग्रेटर देन 85%, देन इट इज कंसिडर्ड एज पास। सिमिलरली फॉर RCCs द परसेंटेज रिकवरी शुड बी ग्रेटर देन 75%। तो दोस्तों चलो थोड़े कैलकुलेशंस भी देख ले। मैं यहाँ आपको कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले उस फॉर्मूला के वजह के बारे में जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों ये है IRC SP 51 का स्क्रीनशॉट, जिसमें आप देख सकते हो कि परसेंटेज रिकवरी कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका फॉर्मूला विद डिस्क्रिप्शन दिया गया है। ये आपके फ्यूचर रेफरेंस के लिए है। चलो ये फॉर्मूला को थोड़े समझे। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हम डिफ्लेक्शन ड्यू टू लोड में इंटरेस्टेड है, तो दोस्तों चलो अज्यूम करें कि ये डेल्टा T1 जो यहाँ पे दिखाया गया है दैट इज डिफ्लेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर इन फेज 1। फेज 2 में डिफ्लेक्शन होगा डेल्टा TL, दैट इज डिफ्लेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर प्लस लोड। देयरफॉर डिफ्लेक्शन ड्यू टू लोड क्या हो सकता है, दैट इज डेल्टा TL माइनस डेल्टा T। ये डिफ्लेक्शन आपको बिफोर रिकवरी स्टेज है, यानी कि ये आपका इनिशियल डिफ्लेक्शन ड्यू टू लोड होगा। एक बार अनलोडिंग फेज खत्म होने पर आपको डिफ्लेक्शन आफ्टर रिकवरी मिलेगा, वो आपका फाइनल डिफ्लेक्शन होने वाला है। चलो उसे कहेंगे डेल्टा TLR, दैट इज डिफ्लेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर प्लस लोड आफ्टर रिकवरी। अगर मैं डेल्टा TLR में से डेल्टा T हटा दूं, तो मुझे डिफ्लेक्शन ड्यू टू लोडिंग मिल जाएगा, दैट इज आफ्टर रिकवरी फेज। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल डिफ्लेक्शन। तो परसेंटेज रिकवरी क्या हो जाएगा, दैट इज इनिशियल डिफ्लेक्शन माइनस फाइनल डिफ्लेक्शन अपॉन इनिशियल डिफ्लेक्शन। तो दोस्तों इस प्रकार आप परसेंटेज रिकवरी कोई भी ब्रिज के लिए कैलकुलेट कर सकते हो। और हाँ दोस्तों चलो आपको ये भी बता दूं कि लोड को इंक्रीमेंटल स्टेज में क्यों प्लेस किया जाता है। इसके भी दो रीजन हैं। पहला रीजन है कि अगर इंक्रीमेंटल स्टेजेस में व्हीकल प्लेस करते टाइम कुछ मेजर डिस्ट्रेस दिखे तो टेस्टिंग को तुरंत रोक सकते हैं विदाउट प्लेसिंग फर्दर लोड्स ऑन स्पैन। दूसरा रीजन है कि इंक्रीमेंटल स्टेजेस में लोड अप्लाई करने पर स्ट्रेसेस स्ट्रक्चर के अंदर लीनियरली डेवलप होता है, जिसके कारण रीडिंग्स की एक्यूरेसी भी बढ़ जाती है। फाइनली गुड बाय कहने का समय आ गया है दोस्तों। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद, फिर मिलेंगे।